नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर। पिछले वीडियो में हमने फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स की आधी एक्सरसाइज पढ़ी थी। मुझे आशा है कि आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। सिक्स वाली हम दोबारा रिपीट करते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब जो इसके नीचे दिए गए हों उस निर्देश के अनुसार हमें उत्तर देना है। पहली है, एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा सह अचिंतयत, एक बड़ी सी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत, मतलब इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं आपको ये बताना है, उनकी संख्या बतानी है और संख्या के साथ साथ उन पदों को भी लिखना है। तो कितने हैं? एकाम महतीम यानी दो, द्वि, इनको लिखोगे आप द्वि। कौन कौन सी हैं? एकाम और महतीम। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन वो खा, तद हम अस्य आवाहनम करोमि, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, अत्र मीन्स यहाँ, अहम का प्रयोग, अहम पद को किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। कस्मै मीन्स किसके लिए, प्रयुक्तम मीन्स प्रयोग किया गया है। अहम का प्रयोग, अब यहाँ आप कहोगे अहम तो हमें कहीं दिखाई नहीं, लेकिन तद प्लस अहम, अलग अलग, तद मीन्स तब, मैं, अहम मीन्स मैं इसका आवाहन करूँगा या करता हूँ। ठीक है, तो हमें किसके लिए किया गया है अहम का प्रयोग? कौन कह रहा था कि मैं इसका आवाहन करूँगा? शेर, सिंह, तो यहाँ लिखेंगे सिंघाय, सिंह के लिए, इसलिए सिंघाय बन जाएगा। गावाला है, यदि तुम मामना आवाह्यसी अस्मिन वाक्ये कर्त पदम किम, यदि तुम मेरा आवाहन नहीं करोगे, मतलब उसने कहा है कि यदि तुम मेरा आवाहन मुझे नहीं बुलाओगी, अस्मिन वाक्ये कर्त पदम किम, इस वाक्य में कर्ता कौन है, मतलब इस वाक्य में आपको कर्ता ढूंढना है। कर्ता और क्रिया जानते हो, कर्ता हो गया वो जो करने वाला है कार्य, और क्रिया होती है वो जो की गई है। तो यहाँ कौन कार्य कर रहा है? तुम करता है यहाँ, मतलब यदि तुम है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तुम नहीं बुलाओगी, क्योंकि तुम कार्य कर रही हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं, माम मत लिखना, तो मतलब तुम कार्य कर रही हो। ठीक है बच्चों, हाँ, अब अगला है हमारा, सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन वाक्ये क्रिया पदम किम। सिंह पद पद्यति, सिंह मीन्स शेर, पद मीन्स पैर, पद्यति मीन्स निशान, सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा के अंदर जाते हुए देखे। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, अब उसमें पिछले वाले सेंटेंस में हमारे कर्ता पूछा था और यहाँ क्या पूछा गया है हमारा? क्रिया, मतलब क्या किया गया है, कार्य क्या किया है। तो सिंह, सिंह के, शेर के पैर, पैरों के निशान गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अंदर जाते हुए क्या हो रहे हैं? दिखाई दिए। ये क्या है हमारी क्रिया? दृश्यते, दिखाई दिए, तो क्रिया में आएगा हमारा दृश्यते। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब है इसी तरह, वन्नेत्र संस्थ्य समागता जरा, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, अब इस वाक्य में हमें अव्यय पद ढूंढना है, अव्यय बताना है।
वनेत्र, वन वनम प्रस अत्र, मतलब वन में रहते हुए, यहाँ रहते हुए, मैं बूढ़ा संस्थाप रहते हुए, संस्थाप में स्थापित होते हुए, समागत मीन्स मैं बूढ़ा, जरा मीन्स बूढ़ा हो गया, इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया। इस वाक्य में हमें अव्यय पद बताना है, तो वनम प्लस अत्र, मैंने बताया आपको इसका हमें संधि विच्छेद कर देना है, वनम प्लस अत्र, तो यहाँ अत्र आ गया, तो अव्यय क्या है, अत्र अव्यय। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब इस बॉक्स से देखकर, हमें इन ऑप्शनों में से ढूंढकर, हमें इस स्टोरी में, इस कहानी में अव्यय पदों का चयन करना है, अव्यय पद भरने हैं। तो मैंने इसमें ऑलरेडी इसमें से निकाल कर भर रखे हैं, मैं उनका आपको हिंदी अनुवाद भी बताती जाऊंगी और आपको कहाँ कौन सा शब्द भरना है वह भी बताएंगे। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्यम दूरे स्थितः। एकस्मिन् मीन्स एक वन, एक किसी वन में, कोई, कश्चन मीन्स कोई, व्याध मीन्स शिकारी, जाल फैलाकर दूर चला गया, स्थित मीन्स खड़ा हो गया, दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोत राजः नीचैः आगच्छत्। क्रमशः मीन्स लाइन से, आकाश में, द लाइन से, क्रमशः मीन्स एक दूसरे के पीछे, और लाइन से आकाश में सपरिवार कपोत, कबूतरों का राजा, मतलब अपने परिवार के साथ कबूतरों का राजा नीचे आ गया। कहाँ आ गया, नीचे ही मीन्स नीचे, धरती पर। यदा कपोताह तंडुलान अपश्यन, यदा मीन्स वहाँ, नहीं सॉरी, यदा मीन्स जब, जब कपोताह तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने, कपोताह बहुवचन है, जब कबूतरों ने, तंडुलान मीन्स होता है चावल के दाने, चावल के दाने देखे, जब कबूतरों ने चावल के दाने देखे, तदा मीन्स तब, यदा मीन्स जब और तदा मीन्स तब, तब तेसाम, तदा तेसाम लोभ हो जाता है, तब उनके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया। परम राजा सहमतः नासीत, नासीत, ना प्लस आसीत, परंतु उनका जो राजा था, जो सरदार था, वो सहमत नहीं था, मतलब वो उसकी इच्छा नहीं थी। तस्य युक्ति आसीत, तब उसने एक युक्ति सोची, तब उनके मन में एक विचार आया था। क्या आया, किसके, राजा के मन में, उनके कबूतरों का जो राजा था उसके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया, यदि वने कोपि मनुष्यः नास्ति, यदि मीन्स यदि, अगर जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, ना प्लस अस्ति है, नहीं है, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तर्री कुतः तंडुलान संभवः, तो फिर, तर्री मीन्स तो, तंडुलानाम, तो फिर चावल आना यहाँ कहाँ से संभव है। परमं राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुं प्रवृत्ताः जाले च निपातितः। परंतु राजा का उपदेश, राजा जो कबूतर थे, उन्होंने, कबूतरों ने राजा का उपदेश अस्वीकार कर दिया, मतलब उन्होंने नहीं माना। कबूतान तंडुलान खादितुम, और उन कबूतरों को, उन कबूतरों ने चावलों को खाना स्वीकार कर लिया, और जाल में निपातिता मीन्स चा मीन्स, और जाले मीन्स जाल में, निपातिता मीन्स फंस गए। अतः उक्ताम सहसा विद
विधितः न क्रियाम। इसलिए अतः इसीलिए कहा गया है कि अचानक बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप अपना ध्यान रखना बच्चों और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। बार बार इस वीडियो को देखना, जो समझ ना आ रहा हो उसको मुझे रिप्लाई देना। प्लस अब हम अगले वीडियो में पाठ 3 पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ। धन्यवाद।